of his award-winning book, Midnight's Children, had its European premiere at the London Film Festival, complete with unflattering portrayals of senior Indian political figures. Some there wanted to prevent the film being shown. Speaking to Al Jazeera, Rushdie urged fellow writers not to give way to religious or political pressures. There's report ye hai worrying signs, ek vyakti tezi se unki aur badha aur dhaardaar chaku se un par hamla kar diya of a greater willingness iske baad Rushdie usi waqt manch par hi gir pade darasal ye jo unke upar hamla hua hai you know isko unki scholarly work poor mein likhi gayi aur prakashit ki gayi pustak सैटेनिक वर्सेस से जोड़ के देखा जा रहा है इसी वजह से उनके 1980 के दशक में ईरान ने उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध कार्यक्रम के दौरान मंच पर चढ़ गया कि लगभग Midnight's Children describes the life of a boy born with magical powers at the exact moment of India gaining independence in 1947. The book's depiction of Prime Minister Indira Gandhi and her suspension of democracy between 1975 and 1970. इनके ऊपर भी हुआ है सलमान रश्दी पे और एक इंटरव्यूअर पे भी हुआ है। रश्दी की गर्दन पे चाकू से वार किया गया, उन्हें हेलीकॉप्टर से तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। उनके हालात के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। सिर में मामूली चोट मिलना बताया जा रहा है, पर वो जीवित है। ये बात जो न्यूयॉर्क स्टेट या राज्य की गवर्नर हैं कैची होचुल, उन्होंने ये कहा है कि रुश्दी अभी जीवित है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, उनको एयरलिफ्ट किया गया है। इवेंट मॉडरेटर जो थे, इंटरव्यूअर जो थे, उन पर भी हमला किया है, उनको वहीं स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा गया। इस बारे में तस्लीमा नसरीन ने कहा है, तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका जो भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं, कि मैं सचमुच स्तब्ध हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है। फिर पश्चिम में रह रहे हैं, यानी वेस्ट में रह रहे हैं, और 1989 से उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। यदि उन पर हमला हो जाता है तो इस्लाम की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला हो सकता है। अब ये रुश्दी हैं कौन? रुश्दी जो हैं वो भारतीय मूल के लेखक हैं, जैसा कि बताया 1980 के दशक में जो उन्होंने सैटेनिक वर्सेस किताब लिखी थी उसमें उसको लेकर वो विवाद में आए, पूरे मुस्लिम समाज में उनका बहुत विरोध हुआ। रुश्दी दरअसल 19 जून 1947 को तब के बॉम्बे और अब मुंबई में एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। जो 2007 उनकी दो किताबें ज्यादा चर्चित रही, सैटेनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन का काम किया। इस जो मिडनाइट चिल्ड्रन है उसके ऊपर फिल्म भी बनी। उन्होंने एक शादी करी, कई शादियां और उनके संबंध की बात आती है, जिसमें विशेष रूप से पद्म लक्ष्मी से उनकी शादी चर्चित रही। हम अपेक्षा करते हैं कि वो स्वस्थ होंगे, जल्दी स्वास्थ्य लाभ करेंगे, और किसी का विरोध जान लेके करना अनुचित है इस दुनिया में जिसमें कि हम रह रहे हैं, मॉडर्न दुनिया जिसे हम कहते हैं। और कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। तो ये उनके वो पल हैं जब वो जवान थे। सलमान रश्दी आप देख रहे हैं, सलमान रश्दी को सलमान रश्दी पर घातक हमला किया गया है। चूंकि वो एक इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं।